अगर आप 25,000 रुपए तक का फोन खरीदने का सोच रहे हो पर आपका बजट 20,000 रुपए से भी कम है, तो कुछ दिनों पहले एक फोन लॉन्च हुआ है Vivo T3 और 20,000 रुपए के अंदर आप इसको सबसे पावरफुल फोन बोल सकते हो। वैसे तो इस फोन को लॉन्च हुए एक महीने से ज्यादा हो चुका है और हमने इस फोन को काफी ज्यादा यूज भी कर लिया है, तो इस रिव्यू वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। इस फोन को मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया था और इसका प्राइस 20,000 रुपए पर मुझे 2,000 के कार्ड डिस्काउंट के साथ ये 18,000 रुपए में मिला है। ये फोन वैसे तो ऑनलाइन मार्केट के लिए लॉन्च किया है पर ऑफलाइन में भी ये फोन आपको मिल जाएगा, पर ऑफलाइन मार्केट में आपको इस फोन की तारीफें थोड़ी कम ही सुनने को मिलेंगी। वीवो की टी सीरीज वीवो के जो दूसरे फोन आते हैं उनसे काफी अलग होती है। पहला, ये फोन काफी वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन होते हैं और दूसरा, इसमें कैमरे से ज्यादा परफॉर्मेंस पर फोकस किया जाता है। इसमें परफॉर्मेंस के लिए डायमंडसिटी 7200 चिपसेट देखने को मिलता है जो बहुत पावरफुल है। इसका एंटूटू स्कोर 7 लाख के ऊपर आता है और ये चिपसेट कोई नया चिपसेट नहीं है। लास्ट ईयर जो Vivo T2 Pro लॉन्च हुआ था उसमें भी यही चिपसेट यूज किया था और वो फोन इससे काफी ज्यादा महंगा है। और हाल ही में जो Nothing Phone 2A लॉन्च हुआ है उसमें भी इसी से मिलता जुलता चिपसेट यूज किया है और वो फोन भी इससे काफी ज्यादा महंगा है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि ये फोन कितना वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। पर Vivo T3 प्राइस में थोड़ा कम देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं इसमें प्राइस कटिंग भी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा फोन में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए UFS 2.2 स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जो कि ठीक है, इसको हम बहुत अच्छा नहीं बोल सकते हैं और बेकार भी नहीं बोल सकते हैं। फोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो अगर फोन से आप नॉर्मल टास्क करते हैं तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि ये फोन कहीं लैग हो रहा है या कहीं अटक कर चल रहा है। फोन की परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए हमने इसमें 1 घंटे तक गेमिंग करी और गेमिंग के लिए हमने BGMI 1 घंटे तक प्ले किया और गेम का एक्सपीरियंस काफी बढ़िया था। गेम काफी स्मूथली प्ले हो रहा था। फोन में ग्राफिक्स भी ठीक मिल जाते हैं, स्मूथ पर एक्सट्रीम का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि फोन में 60fps का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी कुल मिलाकर जब इसमें मैं गेम खेल रहा था तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं एक 18,000 रुपए के फोन में गेम खेल रहा हूँ। और अगर गेमिंग के अलावा भी अगर आप कोई हाई लेवल टास्क इस फोन में रन करना चाहते हैं, जैसे कि कई लोग आज के समय में वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो वो भी आप बड़े आराम से कर लोगे। जो नॉर्मल वीडियो एडिटिंग होती है उसमें ये फोन कहीं भी आपको लैगिंग जैसा फील नहीं कराएगा। हाँ, बाकी अगर आप बहुत हाई लेवल एडिटिंग करना चाहते हैं, कैपकट जैसे सॉफ्टवेयर इसमें यूज करना चाहते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं फोन लैग हो सकता है। परफॉर्मेंस की बात कर ही रहे हैं तो सॉफ्टवेयर की बात भी कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर के लिए इसमें एंड्रॉइड 14 बेस फन टच ओएस 14 देखने को मिल जाता है, जो कि ठीक सॉफ्टवेयर है। इसको मैं बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर तो नहीं बोल सकता हूँ, बाकी ऐसा कोई इशू भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। फोन में आपको ब्लोटवेयर भी देखने को मिलेंगे पर बहुत कम देखने को मिलेंगे और ज्यादातर ऐसे ऐप रहेंगे जो आपके यूजेबल हैं। पर फोन में आपको एड्स, हॉट ऐप, हॉट गेम का फोल्डर भी देखने को मिल जाएगा, जो कि थोड़ा परेशान तो करता है, पर इन सब चीजों को आप डिसेबल कर सकते हैं। बाकी कॉल रिकॉर्डिंग बहुत से लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है, तो इसमें बिना अनाउंसमेंट के कॉल रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी। सॉफ्टवेयर सपोर्ट में फोन में 2 मेजर OS अपडेट और 3 साल तक के सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिल जाते हैं, जो कि ठीक है। इसके अलावा फोन में 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है। बॉक्स के अंदर आपको चार्जर भी देखने को मिल जाएगा जो कि 44 वॉट का है और वो फोन को लगभग 1 घंटे में फुल चार्ज कर देता है। फोन का बैटरी बैकअप मुझे काफी बढ़िया लगा। फोन को अगर आप नॉर्मल यूज करते हो, वीडियो वगैरह देखते हो, गाने वगैरह सुनते हो और अगर थोड़ी बहुत गेमिंग भी करते हो तो भी ये फोन आराम से 1 दिन चल जाएगा। बैटरी को टेस्ट करने के लिए जब हमने इसमें 1 घंटे तक BGMI प्ले किया तो 1 घंटे की गेमिंग में 17% का बैटरी ड्रेन देखने को मिला और सबसे बड़ी बात, फोन में हीटिंग इशू बहुत कम देखने को मिला। नॉर्मली जब मैं फोन को चेक करता हूँ तो आराम से फोन 40 डिग्री के ऊपर चले जाते हैं, पर जब हमने इस फोन को चेक किया तो मैक्सिमम टेम्परेचर 37 देखने को मिला, जो कि काफी सही था। बाकी हम फोन में जो गेमिंग टेस्ट करते हैं बहुत नॉर्मल टेम्परेचर पर करते हैं, रूम में AC भी चलता रहता है तो इतना ज्यादा हीट नहीं होता है। पर अगर आप फोन को आउटडोर यूज करते हो, आउटडोर में कैमरा ज्यादा यूज करते हो या बहुत लंबे समय तक गेमिंग करते हो तो आपका फोन इससे ज्यादा हीट हो सकता है, 45 डिग्री तक भी आराम से पहुंच सकता है, क्योंकि अभी जो सीजन चल रहा है वो समर का सीजन चल रहा है, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आपका फोन 45 डिग्री तक भी पहुंच जाए तो। अब फोन की थोड़ी सी डिजाइन की बात भी कर लेते हैं। तो वीवो के फोन में कुछ अच्छा मिले या ना मिले पर डिजाइन हमेशा प्रीमियम देखने को मिलती है और वही आपको इस फोन में भी देखने को मिलने वाली है। अगर आप बैक साइड से इसको देखोगे तो यहाँ पर क्रिस्टल टाइप की आपको डिजाइन देखने को मिलेगी, जो कि चेंज होती रहती है और देखने में काफी बढ़िया लगती है। फोन बॉक्सी डिजाइन के साथ आता है पर बैक साइड में कॉर्नर पर हल्का सा कर्व देखने को मिलेगा, जिससे फोन काफी हैंडी हो जाता है और फोन हाथ से स्लिप होने वाला इशू भी इसमें देखने को नहीं मिलेगा। बैक साइड में ना तो उंगलियों के निशान देखने को मिलेंगे ना पसीने के डिजाइन देखने को मिलेंगे। फोन वेट के हिसाब से भी काफी हल्का है, 188 ग्राम इसका वेट है। फ्रंट से भी फोन सही लगता है, बेजल भी काफी कम देखने को मिलते हैं, हालांकि
नीचे से जो चिन है वो थोड़ी बड़ी जरूर देखने को मिलती है। डिस्प्ले पर प्रोटेक्शन के लिए ड्रैगन ट्रेल स्टार 2 नाम का ग्लास देखने को मिल जाता है, पर स्क्रीन पर प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर देखने को मिल जाता है। फोन में IR ब्लास्टर, NFC और 3.5 हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता है, पर फोन में डुअल स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। स्पीकर बहुत ज्यादा लाउड तो नहीं, पर ठीक ठाक बोल सकते हैं, लेकिन साउंड क्वालिटी काफी बढ़िया है। फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले अच्छा है, ब्राइट है, कलर भी अच्छे देता है, कॉन्ट्रास्ट भी काफी बैलेंस देखने को मिलता है, मूवी वगैरह देखने में कोई इशू नहीं होगा। यूट्यूब पर HDR का सपोर्ट तो सभी फोन में देखने को मिल जाता है, पर नेटफ्लिक्स पर HDR का सपोर्ट बहुत कम स्मार्टफोन में देखने को मिलता है, बल्कि 25,000-30,000 रुपए के आसपास भी बहुत से ऐसे फोन देखने को मिल जाएंगे जिसमें नेटफ्लिक्स पर HDR का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, पर वो इस फोन में देखने को मिल जाता है। यूट्यूब पर 4K वीडियो भी बड़े आराम से प्ले हो जाते हैं, कहीं भी लैगिंग इशू देखने को नहीं मिलता है। फोन को हमने आउटडोर में काफी यूज किया, आउटडोर में ब्राइटनेस भी चेक करी, 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस इसमें देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले कहीं से भी कम ब्राइट नहीं लगता है। काफी बढ़िया तरीके से आप इसको आउटडोर में भी यूज कर सकते हो। तो कुल मिलाकर डिस्प्ले को लेकर कोई शिकायत इस फोन में आपको देखने को नहीं मिलेगी। फोन में एमोलेड डिस्प्ले मिलता है तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट भी मिल जाएगा और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा, और फिंगरप्रिंट स्कैनर हमने टेस्ट भी किया, वो भी काफी फास्ट है, कोई इशू आपको उसमें देखने को नहीं मिलेगा। फोन में हैप्टिक भी देखने को मिल जाते हैं, पर वो मुझे सिर्फ काम चलाने लायक ही लगे। अब इस फोन के कैमरे की बात कर लेते हैं। बैक साइड में अगर आप देखते हो तो आपको 3 कैमरे देखने को मिलेंगे। तीसरा कैमरा है, ये कैमरा नहीं फ्लिकरिंग सेंसर है। प्राइमरी कैमरा इसमें 50 मेगापिक्सल का मिल जाता है और इसमें सोनी का सेंसर यूज किया है, और दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा है। बाकी इसमें अल्ट्रा वाइड के लिए कोई कैमरा देखने को नहीं मिलता है। मेरे हिसाब से जो 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है, इसकी जगह 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया जा सकता था। कैमरे की फोटो क्वालिटी की बात करें तो आउटडोर में अगर आप फोटो क्लिक करते हो तो काफी बढ़िया फोटो देखने को मिलती है। फोटो में बहुत ज्यादा कलर बूस्ट देखने को नहीं मिलता है, फोटो थोड़ी नेचुरल दिखाने की कोशिश करता है। फोटो में HDR भी काफी बढ़िया देखने को मिलता है, कलर भी काफी ज्यादा मेंटेन करता है जिससे कलर काफी बढ़िया देखने को मिलते हैं। फोटो में डिटेल भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ऑब्जेक्ट के साथ अगर आप बैकग्राउंड को देखोगे तो वहां पर भी डिटेल काफी बढ़िया देखने को मिलती है। अब फोन की शटर स्पीड भी चेक कर लेते हैं। हालांकि फोन की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है तो शटर स्पीड भी अच्छी होना चाहिए, पर चलिए चेक कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो देखिए, मैंने 20 फोटो क्लिक करी थी पर फोटो सिर्फ 14 क्लिक हुई है, यानी कि आप मान सकते हैं कि थोड़ी शटर स्पीड कम देखने को आपको इस फोन में मिलने वाली है। बाकी लो लाइट में भी अगर आप फोटो क्लिक करते हो तो वहां पर भी काफी बढ़िया फोटो क्लिक कर रहा है, पर अगर ज्यादा लो लाइट होती है तो वहां पर नॉइज देखने को मिल जाता है। फोन में पोर्ट्रेट शॉट की बात करें तो यहां पर भी कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। फोटो तो बढ़िया क्लिक कर रहा है और इसमें आपको 2x का ऑप्शन भी मिल जाता है जिससे आप और बढ़िया पोर्ट्रेट शॉट क्लिक कर सकते हो। 1x पर तो कभी कभी एज डिटेक्शन में थोड़ा सा इशू देखने को मिल जाता है, पर 2x पर एज डिटेक्शन में कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। पर इसमें कोई ऑप्टिकल या पेरिस्कोप जूम देखने को नहीं मिल रहा है, यह डिजिटल जूम है पर काम काफी बढ़िया कर रहा है। इसके अलावा इस फोन से आप 4K वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो, 4K 30fps का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन में OIS भी देखने को मिलता है जिससे वीडियो काफी स्टेबल शूट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में ऐसा बहुत ज्यादा हिलने वाला वीडियो देखने को नहीं मिल रहा होगा। इसके अलावा 1080 30fps और 60fps पर भी आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और उनमें भी OIS काफी बढ़िया तरीके से काम करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। सेल्फी कैमरा काफी बढ़िया है, थोड़ा सा फेस को ब्राइट करता हुआ दिखाई देता है और थोड़ा स्मूथ भी कर देता है, पर फोटो देखने में काफी बढ़िया लगती है। आपको ऐसा कोई मेजर इशू सेल्फी कैमरे में देखने को नहीं मिलेगा और फ्रंट से भी आप काफी बढ़िया टाइप के वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो कुछ इस तरह। तो फ्रंट कैमरे से वीडियो की रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह की वीडियो रिकॉर्डिंग आएगी। और ये माइक जो यूज हो रहा है, ये फोन का ही माइक यूज हो रहा है, तो माइक की क्वालिटी भी आपको इससे पता चल जाएगी। तो देख सकते हैं वीडियो तो काफी बढ़िया रिकॉर्ड हुआ है, पर इसमें थोड़ा OIS मिसिंग देखने को मिला, वीडियो इतना ज्यादा स्टेबल शूट नहीं कर रहा है। बाकी इस फोन पर मैं एक डिटेल कैमरा रिव्यू वीडियो भी बनाने वाला हूं, जो कि इस चैनल पर बहुत जल्द आ जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये था इस फोन का रिव्यू वीडियो। अब मैं वर्डिक्ट की बात करता हूं कि आपको इस फोन को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो देखिए, ऐसे बहुत कम स्मार्टफोन आते हैं जिनमें हमको बहुत कम कमी देखने को मिलती है, और उनमें से मैं सीधा बोल सकता हूं वीवो T3 एक है, क्योंकि फोन का जो प्राइस है उस हिसाब से ये आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर दे रहा है, और जो इसमें हमने इस वीडियो में कमी की बात करी है वो आपको दूसरे फोन में भी इस प्राइस रेंज में देखने को मिलेगी। पर इसमें जो पॉजिटिव पॉइंट है, जैसे कि ये काफी पावरफुल फोन है, इसका कैमरा काफी बढ़िया है, बैटरी भी आपको बहुत बढ़िया देखने को मिल जाएगी, फोन में कोई हीटिंग इश्यू नहीं है, डिस्प्ले की क्वालिटी भी काफी बढ़िया है, तो इतनी चीजें आपको जिस प्राइस रेंज में मिल रही है उस हिसाब से ये फोन फिलहाल की कंडीशन में बहुत बढ़िया है। तो अगर आप इसको कार डिस्काउंट के साथ 18,000 रुपए तक खरीद लेते हैं तो एक बहुत बढ़िया डील आपके लिए रहेगी। बाकी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस प्राइस रेंज में जो दूसरे फोन आते हैं उनके साथ भी हम इस फोन को कंपेयर करके आपको बताएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा
लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर ऐसे ही वीडियो आप आगे भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।